हस्तिनापुर से बुलावा आ जाने पर आर्यपुत्र का आनंद देखिए। यदि ये दादी माँ का आदेश ना होता तो आर्यपुत्र अवश्य रुक जाते। माद्री जी को वश में करना सीखो, मन को मारना सीखो। मन कोई मृत थोड़ा है दीदी कि बाण चलाऊं और उसे मार लूं। ईश्वर ने जीवन तो जीने के लिए दिया है ना दीदी। परंतु जीने के कुछ नियम होते हैं और एक नियम ये भी है कि दादी माँ का आदेश मिलते ही हमें लौटने की यात्रा आरंभ कर देनी चाहिए। दीदी आप तो सदा इन्हीं का साथ देती हैं। हम दोनों ने तो इनका साथ देने के लिए ही जन्म लिया है माद्री। ये बाघ तो कहीं आसपास ही है। आर्य पुत्र इसे मेरे लिए मार लाइए ना। परंतु उस बेचारे ने हमारा क्या बिगाड़ा है। दीदी परंतु आर्य पुत्र भोजन तो करते जाइए। लौट कर खा लूंगा। मैंने तो शब्द वेदी भान चलाया था ऋषिवर। जो ध्वनि को ध्वनि से अलग ना कर सके राजन, उसे शब्द वेदी बाण चलाने का अधिकार ही नहीं, तुमने अपने अधिकारों की सीमा रेखा का उल्लंघन किया है राजन। तुम्हें इसका दंड मिलना ही चाहिए। नहीं ऋषिवर, मेरी वंश रेखा काटने वाले राजन, मैं तुम्हें ये शाप देता हूं कि जिस क्षण तुम्हारा स्त्री से संगम होगा वही क्षण तुम्हारा अंतिम क्षण होगा। नहीं। ओम नहीं।